सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा की दुनिया में आज आपको पता चलेगा जब अपराधी आपके कॉलर को पकड़ता है, आपके गर्दन को दबोचता है या आपके बाल को पकड़ता है तो कैसे बच सकते हैं। तो आइए चलते हैं सेल्फ डिफेंस की दुनिया में। आज के अभी कॉलर कैच जब ओपोनेंट करता है तो उसको कैसे सेव कर सकते हैं, अपने कैसे छुड़ा सकते हैं, इसका रिजल्ट इस तरह कॉलर को कैच करता है और कॉलर कैच करने के बाद वो खींचता है या फिर अब सब बोलता है क्या आप कर सकते हैं। जैसे अपॉइंट कॉलर कैच करता है आप इसके इस हाथ को पंच पुलिस ने पकड़ा हुआ है उसको पूरी तरह कैच कीजिए तो क्या होगा कि वो आपको खींच भी नहीं पाएगा और थोड़ा बहुत कंट्रोल आपका उसमें हो सकता है। इसको कैच करने के बाद इसको अपनी ओर मूव करना और अपने लेफ्ट हैंड को उसके एल्बो के बाद पूरे हैंड को कैच करके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इस लेफ्ट हैंड को अपनी ओर और ये जो कलाई रिस्ट को हमने कैच किया है उसको अपोनेंट की ओर जब मूव करेंगे तो इनका रिस्ट लॉक हो जाएगा, ये रिस्ट लॉक और अब ये कंट्रोल में है आपकी पूरी तरह। आप अपोनेंट को चाहे बैठा सकते हैं और चाहे तो ये मूव करके आप इसको लिटा सकते हैं, रिस्ट लॉक। अब इसका दूसरा भाग एक बार और इसको समझने की कोशिश करें। अपोनेंट के इस कैच किए हुए हैंड को पूरी तरह होल्ड में लेना, इसको मूव करना अपनी ओर, हाथ से पुश करके रिस्ट को लॉक, ये रिस्ट लॉक। नेक्स्ट कॉलर कैच दूसरा डिफेंस किस तरह कर सकते हैं। इस तरह जब कैच होता है तो पहले हमने राइट हैंड से कैच किया था, अब हम लेफ्ट हैंड से कैच करेंगे। ये कैच करने का मतलब है कि आप जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते और इसके एल्बो को लॉक करना है, यहां से कैच करके ये एल्बो लॉक और ये अपोनेंट पूरी तरह से आपके कंट्रोल में रहेगा। आप चाहे अगर पावर ज्यादा देंगे तो इनका एल्बो ब्रेक हो सकता है, इसलिए इसका अभ्यास घर में या अपने पार्टनर के साथ बहुत सीरियसली करें, रिलैक्स होकर करें, आराम से करें। नेक्स्ट जब विपक्षी अपोनेंट आपके गर्दन को कैच करता है दोनों हाथों से, ध्यान रखिएगा गर्दन जब कैच होता है, जब आपका नेक को कैच करता है तो आपके पास समय बहुत कम होता है। बॉडी का अदर पार्ट में जब कैच होता है तो आपके पास समय है, आप बहुत टाइम लेके बच सकते हैं, पर जब आपकी गर्दन कैच होती है समय बहुत कम होता है, इसलिए रिएक्शन क्विक होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। जब अपोनेंट दोनों हाथों से आपकी गर्दन को कैच करता है, इस बोथ हैंड से जब गर्दन को कैच किया जाता है तो बचने के लिए अपने राइट हैंड को उसके दोनों हाथ के बीच से ऊपर की ओर धुआं निकालना और लेफ्ट हैंड से ऊपर से आपस में अपने हाथ को कैच करना इस तरह से और अपोनेंट के एल्बो पे लेफ्ट हैंड से नीचे की ओर और राइट हैंड से ऊपर की ओर पावर से हिट करेंगे और थोड़ा अपने बॉडी को नीचे की ओर बैंड भी करेंगे एक साथ। कैच बिल्कुल मूव है। अब इसमें आप डिफेंस और अटैक भी कर सकते हैं। किस तरह से? जस्ट रिमूव, हमने इसे कैच किया है और अपोनेंट को हिट भी कर सकते हैं और हिट करने का सबसे पावरफुल हथियार एक आदमी के पास होता है वो है नी और एल्बो जो सबसे मजबूत होता है। नेक्स्ट नेक दूसरा तरीका, अपोनेंट के एल्बो को जो सबसे कमजोर पार्ट है जब वो गर्दन आपस में कैच करता है आपका, दोनों एल्बो को बाहर से हिट करना। आप जब इसको हिट करते हैं तो इनका एल्बो आपस में टकराता है जिसके कारण चोट लगेगा और आपका जो हिट है बाहर से
वो प्रेशर जब करेगा तो इसका हिट टकराने के बाद अपोनेंट का गर्दन तो छोड़ना ही छोड़ना है, वो दर्द से बिल्कुल ही असहाय हो जाएगा। एक बार फिर इसको देखते हैं, ध्यान रखें हिट जो करे वो एल्बो जो ज्वाइंट है जस्ट उसके बाहर पार्ट में और पूरे पावर से करना, आपका गर्दन एकदम फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा तरीका, जब अपोनेंट आपके गर्दन को कैच करता है, पहले हमने क्रॉस किया साइड किया, अब अगर अपोनेंट का एल्बो इस तरह से बैंड हो जाता है तो यहां पे इसकी पकड़ ढीली हो जाएगी, इसके लिए क्या करनी है, पावर से पकड़ा होगा थोड़ा सा आगे पीछे होना, ऊपर जाके दोनों हाथ का प्रहार जो हिट है वो उसके एल्बो ज्वाइंट पे करेंगे, जैसे एल्बो ज्वाइंट पे हिट करते हैं तो गर्दन छूटता है। फिर से देखते हैं, याद रखिए जो चार्ज करेंगे वो हथेली के करेंगे, जिसको बोलते हैं कराटे चार, यहां से। नेक्स्ट चौथा तरीका जो एकदम परफेक्ट होता है और कमजोर या मजबूत दोनों आदमी कर सकता है, जब अपोनेंट इस तरह आपको कैच करता है आपके पास टाइम कम है, बचने के लिए हम उसके हाथ को पकड़ते हैं पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि अपना दम घुटने लगता है, उस समय क्या करना, अपने पैर को उसके ग्रोइन पे फिट करना। फिर से देखते हैं गैच हिट, बहुत इफेक्टिव तरीका होता है। नेक्स्ट जब अपोनेंट आपके बाल को कैच करता है, ये जब बाल कैच करता है तो सबसे पहले उस हाथ को पकड़िए, क्योंकि अपोनेंट जब बाल पकड़ता है तो वो खींचता है और बाल पकड़े कोई खींचता है तो उसके बाद आपके सामने वाला संभालना मुश्किल होता है, इसलिए उसको पहले कैच कर लीजिए और दूसरे हाथ से ये प्रेशर देना और इसको नीचे की तरफ, याद रखिए रिस्ट और एल्बो दोनों लॉक हो चुका है, इसको आराम से करके बताइए, उसके हाथ को कैच करना और जो राइट हैंड है वो एल्बो को पुश करते हैं और खुद थोड़ा नीचे जाते हैं और ये लॉक हो चुका है रेस्ट और एल्बो। आज जितने तरीके बताए गए सेल्फ डिफेंस के पार्ट में, याद रखिए जब लाइफ का बुरा वक्त आता है, जब आप चारों तरफ से घिरे रहते हैं और इस मोमेंट पे आप पहुंचते हैं जब लगता है कि जान बचाना मुश्किल है, ये टेक्निक आपकी जान बचा सकता है, ध्यान रखिएगा।